हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। सो आज का हमारा वीडियो जो रहेगा दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द अप्रैल 2021 करंट अफेयर सीरीज। सो इसमें हम छोटा सा पार्ट सिक्योरिटी का जो हमारा बचा हुआ है वो कवर करेंगे एंड देन इन द लास्ट वी विल कवर द मिसलेनियस एस्पेक्ट्स, मिसलेनियस टॉपिक्स। सो हियर आवर फर्स्ट टॉपिक इज पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। So Microsoft urges India to join in the Paris call for trust. सब न्यूज में क्यों है? क्योंकि Microsoft President urged India and the US to join the Paris call for trust and security in cyberspace. अब गाइज एक कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए Paris जो डील है that is different and this Paris call is different. सो द पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, उसमें अभी 75 कंट्रीज हैं। इट डील्स विद द न्यू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस्ड इन द वर्ल्ड। सो अबाउट पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस, द पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस वॉज अनाउंस्ड इन 2018। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाता है कि ये करंट अफेयर में है तो ये अनाउंस अभी हुआ 2020 में या 21 में, सो नो गाइस, इट वॉज अनाउंस्ड इन 2018। किसने किया इसको? फ्रेंच प्रेसिडेंट ने। It was announced during the Internet Governance Forum held at UNESCO and the Paris Peace Forum. So, अभी हमारे पास कितना हो गया? Paris Climate वाला, Paris Peace वाला and this Paris for Trust and Security. Under this Paris Peace Forum ही हमारा ये अनाउंस हुआ था। Now, इसका purpose जो है, it is non-binding declaration. सो मोस्टली जो डिक्लेरेशंस होती हैं इस टाइप की वो यूजुअली नॉन बाइंडिंग ही होती हैं। इट कॉल्स स्टेट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर टू प्रमोट सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस, काउंटर डिसइंफॉर्मेशन एंड टू एड्रेस न्यू साइबर थ्रेट्स एंडेंजरिंग सिटीजन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली अभी जो स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ऑल्सो जो डिजिटल कल्चर जो बहुत ज़्यादा राइज कर गया है, तो लोगों को उससे जो प्रॉब्लम सफ़र कर सकते हैं, जो जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया, थ्रेट्स का प्रॉब्लम हो गया, फ्रॉड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो इन सब से डील करने के लिए ये एग्जिस्ट करता है। नाउ पॉइंटली फॉर सिक्योरिटी, सो गाइस दिस वाज द मेजर टॉपिक। अभी छोटे छोटा पॉइंटली हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज शांति और गोसेना 2021, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगा इसमें। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है शांति और गोसेना 2021 और ये होगा कहाँ? बांग्लादेश में। दिस एक्सरसाइज फ्रंट रनर ऑफ द पीस, ये इसका मतलब होता है फ्रंट रनर ऑफ द पीस। एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। द 2021 एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज जो कि बांग्लादेश में होने वाला है, हेल्ड देयर टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटनरी ऑफ बांग्लादेश फादर ऑफ द नेशन। तो जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ द नेशन है गांधी जी, वैसे वहाँ पे जो फादर ऑफ द नेशन है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। सो द थीम ऑफ एक्सरसाइज इज रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द एक्सरसाइज आर, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? द डोगरा रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, द कंटिजेंट ऑफ रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकन आर्मी एंड बांग्लादेश आर्मी। सो दिस इज इट। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज वरन 2021। The 19th edition of the Indian and French Navy bilateral exercise Varun 2021 was conducted in the Arabian Sea, guys. ये याद रखना है हमको. So this exercise is a bilateral naval exercise between India and France. So the aim is to develop interoperability between the two navies. Further, it aims to foster mutual cooperation by learning from each other's best practices to conduct the joint operations. So time to time ऐसी exercises India और France के बीच में या India और other countries के बीच में होती रहती हैं, which we have to remember. And exercise Varuna is one of them. Then exercise Khanjar, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, India and Kyrgyzstan special forces started a military exercise named exercise Khanjar in Bishkek, Kyrgyzstan. ये Kyrgyzstan में हुई थी। The exercise aims to boost the strategic partnership between both the countries. It also focuses on a high altitude mountains and counter extremism drills. So guys, ये security portion हमारा यहाँ end हो जाता है। अब हम miscellaneous cover करेंगे। So guys, next हमारा आता है miscellaneous। इसमें हम जो remain topic हैं, जो बाकी सभी में cover नहीं हुए हैं, उनको cover करेंगे। So here our first topic is India is third highest military spender in 2020. सीप्री का रिपोर्ट है। सो व्हाट इज सीप्री? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हर साल अपना रिलीज करता है एक रिपोर्ट
जिसमें इस बार का जो हमारा टाइटल है, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020। सो रिपोर्ट डेटा बताता है जो कि किस कंट्री ने कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया है इन द प्रीवियस ईयर। सो सिप्री इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन 1966 इन स्टॉकहोम स्वीडन। इसका फंक्शन है एज टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट्स। सो इसका जो रिपोर्ट है इसकी की फाइंडिंग्स इंडिया से रिलेटेड गाइस हमको मोस्टली याद रखनी है। सो पहला, इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन 2020, जो हमारा सबसे पहले यूएस, उसके बाद में चाइना एंड देन इंडिया। सेकेंडली, इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर वॉज $72.9 बिलियन 2020 में, और ये हमारा इंक्रीज हुआ है फॉर द लास्ट ईयर कंपेरिजन 2.1% फ्रॉम 2019। थर्डली, इंडियाज मिलिट्री स्पेंडिंग इज 2.9% ऑफ इट्स GDP। पूरा GDP जो हमारा है उसका 2.9% जो है वो हमारा मिलिट्री स्पेंडिंग है। फोर्थली, इंडिया काउंटेड फॉर 3.7% ऑफ द मनी स्पेंट ऑन द मिलिट्री ग्लोबली। ग्लोबली जितना भी मनी स्पेंड किया जाता है उसका 3.7% अकेले हमारा इंडिया से जाता है। अदर की फाइंडिंग्स, द फाइव हाईएस्ट स्पेंडर्स, जो पांच हाईएस्ट है उनमें सबसे पहला US, देन चाइना, देन इंडिया, देन रशिया एंड द UK। तो कंट्रीज जो है वो ये पांच कंट्रीज मिला के 62% जो है हमारा पूरे वर्ल्ड का सिर्फ ये पांच कंट्रीज ही कर देती है। That US accounts for 39%, US का 39% है, जैसे कि हमारा 3.7% है, US का 39% है guys। And it spent $778 billion on military in 2020, representing a increase of 4.4% over 2019। जैसे हमारा increase हुआ था last year के comparison में 2.1%, वैसे US का increase है 4.4%। Whereas China accounted for 13% of the money spent and with 252 billion on the military in 2020, ये 1.9% है उसका increase 2019 के हिसाब से। So our next topic is India will move towards mandatory gold hallmarking। So guys, ये हमारा news है April का, तो तभी हमको पता चल गया था कि India ऐसा कुछ करने वाला है, but now in May and June ये हमारा apply हो चुका है। ये जून का करंट अफेयर्स है तो उसमें ये अभी एट प्रेजेंट अप्लाई हो चुका है। सो व्हाई इज इट वन न्यूज, बिकॉज द गवर्नमेंट सेड इट इज फुली प्रिपेयर्ड टू इंप्लीमेंट द मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम जून 1, 2021। व्हाट इज गोल्ड हॉलमार्किंग? इट्स अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन ऑफ प्रीसियस मेटल। एट प्रेजेंट इट इज वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री है, करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बट नाउ इट इज मैंडेटरी। सो गोल्ड हॉलमार्किंग इन इंडिया इन 2019, एज पर द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स बिकम मैंडेटरी अक्रॉस द कंट्री। द गवर्नमेंट हैड गिवन ज्वेलर्स मोर देन अ ईयर टू शिफ्ट टू हॉलमार्क एंड रजिस्टर देमसेल्व्स विद द BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो की फीचर्स हैं हॉलमार्किंग के। पहला, जो हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी है वो सिर्फ 3 ग्रेड्स में अवेलेबल होगा, 14 कैरेट, 18 कैरेट एंड 22 कैरेट। सो गाइस, ये तो हम जानते हैं कि जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है जो कि प्योर गोल्ड होता है, बट वो इतना उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता कि उससे हम ज्वेलरी या अगर कुछ ऐसा पर्पस के लिए यूज कर सके तो हम उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। सो जो 22 कैरेट का गोल्ड होता है उसमें आपका 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ अदर इम्प्योरिटीज, उसमें हम कुछ भी मिला सकते हैं। सो अभी हमारा जो हॉलमार्क किया जाएगा वो 3 उस पर किया जाएगा, 14, 18 एंड 22। Then secondly, the hallmark of gold jewelry will contain 4 marks, such as उसमें BIS marks भी होगा, purity भी बताएगा, SA center's name, मतलब जहाँ पे उसका SA किया गया है, उसका checking किया गया है कि इसमें कितना purity है, and jeweler's identification mark, किस jeweler से आपने बनवाया, उसका identification marks भी होंगे। Thirdly, applicability इसकी जो होगी, the rule is applicable only to sale by retailers and not by consumers. However, it is available for consumers if they want to get their old jewelry hallmark. अगर उनका जो कोई पुराना ज्वेलरी भी है कंज्यूमर का, अगर वो चाहते हैं कि उस पर भी हॉलमार्क लग जाए तो इट विल बी अवेलेबल। देन फोर्थली, पेनल्टी। एनीबडी फाउंड वायलेटिंग द प्रोविजंस विल हैव टू पे अ मिनिमम फाइन ऑफ ₹1 लाख और 5 times ऑफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उसको ये फाइन भी देना पड़ेगा। सो इंडिया इज लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड इन वॉल्यूम टर्म्स। द कंट्री इम्पोर्ट 700 to 800 टन ऑफ गोल्ड एनुअली। सो दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CGI लॉन्चेस सुपर पोर्टल, AI driven रिसर्च पोर्टल।
न्यूज में क्यों है, सीजेआई लॉन्च द सुप्रीम कोर्ट सुपास पोर्टल। अब ये है क्या, इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सो इसका पर्पज है, इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल, इट विल मेक द रिसर्च वर्क इजियर फॉर जजेस एंड देयर बाय ईजिंग देयर वर्कलोड। सो जैसे कि सारे सेक्टर्स हमारे डिजिटलाइज हो रहे हैं, इन द सेम वे सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट। की फीचर्स ऑफ द पोर्टल कलेक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक्स देम अवेलेबल टू द जजेस। जो फैक्ट्स होंगे, जो लॉज होंगे, उसको अवेलेबल करवाएगा जजेस के लिए। पोर्टल इज नॉट डिजाइन टू मेक डिसीजंस, ऑब्वियसली ये डिसीजंस नहीं देंगे, इट ओनली प्रोसेसेस फैक्ट्स एंड मेक्स देम अवेलेबल टू जजेस एंड लुकिंग फॉर इनपुट्स फॉर अ डिसीजन। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फर्स्टली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विद मेकिंग कंप्यूटर्स बिहेव लाइक ह्यूमंस। ऐसे कंप्यूटर्स हमको बनाने हैं जो बिहेव करें ह्यूमंस की तरह। सेकेंडली, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग कर सके, परसीव कर सके, लर्निंग कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और डिसीजन मेकिंग हो। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ पोर्टल सीजीआई सेड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू द इंटेलेक्ट व्हाट मसल मेमोरी इज टू द माइंड। सो जब इनॉग्रेशन इसका हुआ था, तब ये बोला गया था, ये रिमार्क दिया गया था सीजीआई के द्वारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलेक्ट की तरह वही है जो कि एक माइंड के लिए मसल है। Got guys, this is a comparison basically. So that's it. Next topic is IEVP or International Virtual Election Visitors Program 2021. So why is it in news? The Election Commission of India hosted the International Virtual Election Visitors Program IEVP 2021. So इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। So Election Commission of India ने इसको organize किया, इसको attend किया election management bodies, organizations from 26 countries and 3 international organizations. A focus of the program, is program ka focus tha, it aims to provide the participants with an overview of the large canvas of the Indian electoral process. The ECI will take new initiatives of voter facilitation, transparency and accessibility of the electoral system. ECI is response to the changing needs of training and capacity building new formats necessitated by COVID-19. Insights into the election underway in different states. So basically, जो नए हमारे नए time के according adapt करने के लिए जो भी काम जरूरी होगा वो ये सब करेंगे। About Association of World Election Bodies, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये establish हुआ था 2013 में South Korea में। It is the largest association of election management bodies worldwide. So it is the largest association. इसका purpose है to achieve sustainable democracy around the world. Chaired by India is currently chairing AWeb. For the 2019-21 term, so 2019 से लेके 21 तक हम लोग इसको चेयर कर रहे हैं। Then members, at present AWeb has 115 EMBs as members or and 16 regional associations. So 115 तो members plus 16 associations इसके साथ connected हैं। ECI is very closely associated with the process of formation of AWeb since 2011. Now, इसका सेक्रेटरियट है सियोल साउथ कोरिया में। प्रोग्राम, अ वेब अंडरटेक्स इलेक्शन विजिटर्स एंड ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम इन वेरियस कंट्रीज। दिस प्रोग्राम एम टू स्टडी वेरियस इलेक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड शेयर नॉलेज विद द मेंबर्स ऑफ EMBs। सो बेसिकली ये लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर अप्रैल 2021 करंट अफेयर्स। हमने टॉपिक वाइज और यू कैन से सेक्शन वाइज इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। So next, जो हम स्टार्ट करेंगे, that would be May current affairs for 2021. So if you feel the session was worth watching, please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Have a nice day.